नमस्कार मित्रों, आज जो मैं पैच आपके लिए लाया हूँ वो अपने नॉन स्टॉप सॉन्ग सीक्वेंस में बहुत काम आएगा, स्पेशली डिस्को बीट के गानों के लिए। यहाँ जो मैंने मेन टोन्स यूज किए हैं वो हैं जैज़ ड्रम के टोन और तुम्बा ड्रम का टोन। खास बात यह है कि मैंने इसमें डिले का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है, ताकि अपन किसी भी टेम्पो में लाइव बिना रुके चलते हुए अपन उसका टेम्पो बढ़ा सकें या गाने के हिसाब से घटा सकें। क्योंकि अगर अपन डिले डाल देते हैं किसी भी टोन में तो फिर अपने को एक डिफाइनाइट टेम्पो पर ही वो पैच का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ खास बात यह है कि डिस्को जो बीट है वो तो जैज़ ड्रम कंटिन्यूटी में लेकर चलेगा, लेकिन तुम्बा ड्रम के जो टोन्स हैं वो पैटर्न चेंज करते जाएंगे, जिससे कि अपन इस एक ही पैच में अपने ज़्यादा गाने नॉन स्टॉप सीक्वेंस में लगातार कवर होते चले जाएं। तो सुनिए ये पैच, इसमें दो तीन डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स मैंने बजाए हैं और अलग अलग टेम्पो में भी मैंने बजाए हैं, और बाकी गाने आप अपने हिसाब से ढूंढिए, सेलेक्ट कीजिए और नॉन स्टॉप सीक्वेंस में बजाइए। आइए दोस्तों, अब देख लीजिए कि मैंने इस पैच में कौन कौन से टोन्स का उपयोग किया है। दोस्तों अब देखते हैं नॉन स्टॉप डिस्को पैटर्न के लिए अपना ये पैच कैसे बजेगा। पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड की पोजिशनिंग क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड कैसे चलेगा। सिंपल ड्रमिंग का पैटर्न चलेगा, ड्रमिंग में चलता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेकिन यहाँ पर क्योंकि किक लेफ्ट हैंड में है इसलिए अपन काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड बीट के साथ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। अब अपन देखते हैं फर्स्ट पैटर्न डिस्को का फर्स्ट पैटर्न कैसे बजा है। 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1। साथियों अब देखते हैं कि इसी पैच में डिस्को का सेकंड पैटर्न मैंने कैसे बजाया है। तुम्बे की स्टाइल चेंज हो गई है राइट हैंड में, ध्यान रखिएगा तुम्बे का नया पैटर्न आपको सुनाई देगा। लेफ्ट हैंड एज इट इज पहले जैसा ही चल रहा है, तुम्बे का पैटर्न नया आ गया है। 1 and 2 and 3 and 4 and 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 अब देखिए कि इसी पैच में थर्ड पैटर्न किस तरीके से बजा है। डिस्को का थर्ड पैटर्न काउंट्स के साथ देखिए, काउंट्स के साथ 1 and 2 and 3 and 4 and 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 तो मित्रों डिस्को पैच के ये तीनों पैटर्न आप समझ गए होंगे। आइए अब इन तीनों पैटर्न को प्रैक्टिस करते हैं कुछ गानों के साथ।
भी अपने पैड में ये पैच बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और नॉन स्टॉप सीक्वेंस से गाने ढूंढते जाइए। कुछ तो मैंने उदाहरण के लिए आपके लिए बजाए, कम टेम्पो में, ज़्यादा टेम्पो में, आप भी ये पैच बनाएं और बजाएं। थैंक यू।